सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83। अंकुर, भावना और दिशा पार्टनर है फर्म के अंदर। 1 अप्रैल 2015 बैलेंस दे रखे हैं कैपिटल के, ओपनिंग कैपिटल दे रखे हैं हमारे को 14 लाख, 6 लाख और 4 लाख रिस्पेक्टिवली। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो उनकी प्रोपोर्शन है 7:3:2 रिस्पेक्टिवली। पार्टनर कहते हैं एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 6% पर एनम। साथ में कहते हैं सैलरी दी जाएगी किसको, भावना को। कितनी दी जाएगी, 50,000 पूरे साल की दी हुई है। कहता है एंड कमीशन भी मिला जाएगा, कितना कमीशन मिलेगा, 3,000 पर मंथ टू दिशा एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो दिशा को कमीशन मिलेगा कितना, मिलेगा 3,000 रुपये पर मंथ। तो पूरे साल कितना हो जाएगा, 36,000। तो कितना हो जाएगा, 36,000 इसका कमीशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भावना को, कहते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो भावना को प्रॉफिट मिलेगा ना वो एक्सक्लूडिंग बाहर कर देना, किसको बाहर कर देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाहर कर देनी है, लेकिन कमीशन ऐड करना है क्योंकि कमीशन के बारे में बात नहीं है। कहता है गारंटी कितनी दी गई है, नेट नोट लेस देन 1,70,000। जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद मिलेगा, तो कमीशन इसके अंदर ऐड है और वो कम से कम कितना मिलेगा, ये 1,70,000। अगर कम हुआ तो कौन देगा। अगर बात करते हैं, अगर दिशा का जो शेयर है और प्रॉफिट इंक्लूडिंग, ये किसका था, ये था भावना का, ठीक है ना। भावना का जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद, ये इसके अंदर ऐड नहीं करना है। और गारंटी कितनी दी गई है, 1,70,000। अभी ये नहीं पता किसने दिया गारंटी, ऐसे ही किसको दिया, दिशा को भी गारंटी दे दी कि आपका जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप वाले में ऐड कर लेनी है, लेकिन दिशा वाले में ऐड नहीं करनी थी, बट एक्सक्लूडिंग सैलरी। अब कहता है सैलरी आपने इसके अंदर ऐड नहीं करनी। और गारंटी कितनी दी गई है, नॉट लेस देन 1,50,000। एनी डेफिशिएंसी अराइज, अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो वो कौन पे करेगा, सारे के सारे अंकुर पे करेगा। लिखा है प्रॉफिट फॉर द फर्म 31 मार्च 2016 अमाउंट कितना हुआ है, 9,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो। तो एक तो थी अंकुर और एक है भावना और एक है दिशा। तो भावना को भी गारंटी दी और दिशा को भी गारंटी दी। भावना को क्या गारंटी दी कि आपका जो कम से कम प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 1,70,000, लेकिन आपने इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड नहीं करना है। सेकंड किसको दी, भावना को दी, दिशा को दी। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ऐड होएगा लेकिन सैलरी को आप क्या है इसके अंदर ऐड नहीं करना है। और आप कितनी गारंटी दी है, 1,50,000। अगर कोई दिक्कत आई तो सभी कौन पे करेगा, ये अंकुर पे करेगा, ठीक है। तो लिख देते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, बाय बैलेंस बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, 9,50,000। कितना आया, 9,50,000, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या देते हो, इंटरेस्ट दे दो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको देना है, ये अंकुर को, भावना को और दिशा को, ठीक है। कितना जाएगा ये, 8%। तो 2 0 काट दो सिंपल, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1% हो जाएगा। आपको कितना चाहिए, 6% चाहिए, ठीक है। तो 14,000 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, 14,000 × 6 84,000। सेकंड कितना हो जाएगा, 36,000। थर्ड कितना हो जाएगा, 24,000। टोटल करो, 84,000 प्लस 36,000 प्लस 24,000, ये आ जाएगा 1,44,000, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, अंकुर, भावना और दिशा, अंकुर, भावना और दिशा। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी कितना है, 14 लाख। नेक्स्ट कितना है आपका, 6 लाख। नेक्स्ट कितना है, 4 लाख। तो आपको क्या मिला, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 84,000। नेक्स्ट कितना है, 36,000। नेक्स्ट कितना है हमारे पास, 24,000, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, एक तो सैलरी की बात है और एक कमीशन की बात है, ठीक है। तो किसको देनी है सैलरी? सैलरी देनी है भावना को, ठीक है, सैलरी देनी थी भावना को। तो क्या लिखेंगे? टू बी कैपिटल, ठीक है, भावना कैपिटल। और टू ये कमीशन किसको देना था? दिशा को, तो डी कैपिटल। तो अगर हम बात करें सैलरी की, सैलरी कितनी देनी है? 50,000 देनी है पूरे साल की। और ये कितना था? 3,000। 12 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? 36,000 एनुअल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनको प्रॉफिट देना है, ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा? 9,50,000 हमारा टोटल प्रॉफिट था, इसमें से 1,44,000 तो किसका माइनस हो चुका है? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। उसके बाद क्या दिया हमने? सैलरी दी कितनी? 50,000 की। उसके बाद क्या दिया? कमीशन दिया कितने का? 36,000 का। आप देखो टोटल प्रॉफिट कितना बचता है, 950 माइनस 144 माइनस 50 माइनस 36। तो मेरे पास जो आंसर बनता है वो बनता है 7,20,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? हमने रेशियो दे रखी है, रेशियो दे रखी है 7:3:2, 7 और 3 10 और 2 12। डिवाइड किससे करोगे? इसको 12 से डिवाइड करो, इसको 12 से। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 60,000 एक पार्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने? अंकुर में और भावना में और दिशा में। इसको कितने पार्ट देने हैं आपने? 7 हिस्से देने हैं। तो कितना हो जाएगा? 4,20,000। सेकंड को कितने मिलने हैं? 3। तो कितना हो जाएगा? 1,80,000। नेक्स्ट कितने मिलने हैं? 2। 1,20,000। अब बात करते हैं गारंटी की, ठीक है। गारंटी किसको है? भावना को। कितनी गारंटी मिली है? कहता है प्रॉफिट जो मिलेगा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट कहता है सैलरीज के अंदर है। क्या नाम है? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ऐड ही नहीं है इसके अंदर। और अगर हम भावना की बात करें तो कितना मिला है? 1,80,000। और इसके अंदर क्या करते हैं हम? इसके अंदर ऐड करते हैं, कितना ऐड करते हैं? सैलरी। सैलरी कितनी भावना को? 50,000, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा इसका? 180 प्लस 50, ठीक है। तो मेरे पास बनेगा 230। कितना बनेगा ये? 230, 2,30,000। तो भाई इसको तो ज्यादा मिल रहा है, गारंटी कितने की दी थी? 1,70 की। तो भाई इससे ना तो वो चार्ज करेंगे ना ही इसको कुछ देंगे। अब कहता है दिशा, दिशा को कितना मिला है? 1,20,000, ठीक है। अब इसको गारंटी देखते हैं कितने की दी गई थी। कहता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी मिलती है दिशा को? 24,000 प्लस कितना करो? 24,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,44,000, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, नोट। कहता है एक्सक्लूडिंग सैलरी, सैलरी तो भाई हमने ऐड ही नहीं की। सैलरी वैसे कितनी थी इसकी? सैलरी थी ही नहीं इसकी, इसको कमीशन था तो सैलरी नहीं मिली, तो कमीशन था। किसकी बात थी यहाँ पर? दिशा की। दिशा की कमीशन, सैलरी है नहीं तो कमीशन इसके अंदर ऐड कर देते हैं। गारंटी कितना है? नॉट लेस देन 1,50,000, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है एक्सक्लूडिंग सैलरी, सैलरी आपने ऐड नहीं करनी। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ऐड कर चुके हैं। तो कितना बनता है इसका? 1,44,000। और गारंटी कितनी दी थी इसको? 1,50,000। तो ये जो 6,000 है, अब ये किससे चार्ज करेगा? 6,000 की डेफिशिएंसी रहती है, ये कहता है अंकुर से चार्ज करेगा। तो इससे क्या हो जाएंगे? 6,000 माइनस हो जाएंगे और इसके खाते में 6,000 ऐड हो जाएंगे, ठीक। तो 4,20,000 में से 6,000 की जो गारंटी दी है वो माइनस हो जाएगी, और यहाँ पर 6,000 डी की अगर हम बात करें प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये पार्टनर कौन कौन है? अंकुर है, भावना है और दिशा है। अंकुर के अकाउंट में कितने आने थे? वैसे आने थे 4,20,000, लेकिन इसमें से 6,000 की जो गारंटी थी वो माइनस करनी पड़ेगी। तो कितने आ जाएंगे? 4,14,000, ठीक है। अगर सेकंड की बात करें तो इसमें कोई गारंटी नहीं थी बी केस में, तो बी केस में कितनी आ जाएगी ये? 1,80,000, ठीक है। बी के केस में कितनी हो जाएगी? 1,80,000, क्योंकि यहाँ पर तो आपको एक्स्ट्रा मिले हुए हैं, क्योंकि गारंटी कितने की थी आपकी? 1,70,000 की, लेकिन आपको कितने मिल गए? 1,80,000।
पहले ही एक्स्ट्रा मिले हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो गारंटी की जरूरत नहीं है। अब डी को गारंटी की जरूरत थी क्योंकि इसको कितने मिले थे, 1,20,000 प्लस 24,000 आपने ऐड किए और ये कितने हुए थे, 1,44,000, 6,000 की गारंटी किसने दी थी, ये दी थी बी ने। अगर ए ने दी थी ये गारंटी क्यों, अगर कोई दिक्कत आती है 1,50,000 के अंदर तो कौन पे करेगा उसको, बियर कौन करेगा, ए करेगा। तो 6,000 ऐड हो जाएंगे तो कितना, तो ये कितना हो जाएगा, 1,50,000। ठीक है, तो अब इसको टोटल करते हैं, टोटल कितना आता है, ये टोटल आता है ये हमारे पास 7,20,000। ठीक है, टोटल करेंगे तो 950, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 950,000। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कितना आया, यहाँ पर, यहाँ पर आया आपका 4,14,000, 4,14,000। ठीक है, सेकंड केस के अंदर कितना आया, 1,80,000, थर्ड केस के अंदर कितना आया आपका, 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, टोटल करते हैं अब इनका, ठीक है, टोटल कितना बनेगा, 1,50,000 प्लस 24,000 प्लस 4 लाख। ठीक है, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5,17,000, यहाँ कितना आ जाएगा, 5,17,000, यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, 5,17,000। सेकंड केस की बात करें तो कितना आएगा, 1,80,000 प्लस 36,000, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 8,16,000, 8,16,000, 8,16,000। ठीक है, और यहां भी कितना आ जाएगा, 8,16,000। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 84,000। ठीक है, 84,000 प्लस ये कितना है, 414। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 18,98,000। ठीक है, 18 लाख और 98,000, 18,98,000, 18,98,000। ठीक है, तो आपने इस तरह से क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।